नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक और टॉपिक जो कि है रिलेटेड 5.10 चैप्टर से। 5.9 मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वो वीडियो आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले 5.10 में, और इस 5.10 चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। जी हाँ दोस्तों, डेटा वैलिडेशन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन क्या होता है। डेटा वैलिडेशन बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शंस होता है, किसी भी सेल को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और उसमें काफी सारी चीजें एंटर करने से बच सकते हैं। इसका मतलब आप अगर अपनी एंट्रीज को सेव रखना चाहते हैं, आप डेटा एंट्रीज ऑपरेटर को काम देते हैं और तो उसको डेटा वैलिडेशन लगाकर आप दे सकते हैं जिससे कि वो गलत एंट्री ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए यहां पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है जिसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि बैंक चार्जेस कॉलम में आप लोगों को ये वैल्यूज एक्सेप्ट करवानी है। सिर्फ इतनी ही वैल्यूज आपको बैंक चार्जेस कॉलम में एक्सेप्ट करवानी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है और मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। चलिए देखते हैं। तो वो कह रहा है कि बैंक चार्जेस कॉलम में ऐसा करना है। तो यहां हमने बैंक चार्जेस कॉलम को पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल बैक स्पेस के साथ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग यहां पर एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे, दैट इज ऑल्ट डी एल, जो शॉर्टकट होता है डेटा वैलिडेशन का। और उसके बाद यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा एनी वैल्यूज की जगह आप लोगों को लेना है दैट इज डेसिमल, बिकॉज दीज आर द वैल्यूज रिलेटेड टू डेसिमल। तो आप लोग ये वैल्यूज लेंगे डेसिमल। उसके बाद आप लोगों को यहां पे लेना है बिटवीन, और बिटवीन लेने के बाद आपको मिनिमम नंबर जो दिया हुआ है यहां पर वो डाल दीजिए, और जो मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है वो यहां पर एंटर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का डेटा वैलिडेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। और अब अगर आप वैल्यूज एंटर करेंगे तो सिर्फ इसके बीच में एंटर कर सकते हैं, इससे ना पहले एंटर कर सकते हैं ना इसके बाद वैल्यू कोई एंटर कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप पहले की वैल्यू इसमें एंटर करते हैं तो आपको एरर मैसेज देगा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते अगर आप इस रेंज के बीच में ही कोई वैल्यूज एंटर करेंगे, तभी वो अलाउ करेगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेट करना है ड्रॉप डाउन बटन अकाउंट टाइप कॉलम में। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं यहां पर ले आता हूं, और आप लोगों को अकाउंट टाइप कॉलम में क्या करना है ये सारे के सारे नाम एक्चुअली में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों पहले तो आप लोगों को एक काम करना होगा, ये सारे नाम आपको अकाउंट टाइप कॉलम में टाइप करने हैं, बट यहाँ पर कई नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पहले तो एक ऐसी लिस्ट निकालनी होगी जिसमें ये नाम रिपीटेड ना हो। तो अब इस लिस्ट को निकालने के लिए आप लोग को सिंपली इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एक ब्लैंक एरिया में। और मैंने इसे पेस्ट करने के बाद अब मैंने क्वेश्चन करना है नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले के सारे डुप्लीकेट को रिमूव करना है और एक वैल्यूज को सिर्फ एक बार दिखाना है। तो इस कॉलम में मैं रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन लगाऊंगा, वो कहां पर है डेटा टैब में जाइएगा, और ये रहा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन। और अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए एम। तो ऑल्ट ए एम करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम में से जो भी डुप्लीकेट होगा वो रिमूव करने के लिए वो पूछेगा, आप ओके प्रेस करिए और सारे कॉलम में से जो भी रिमूव डुप्लीकेट्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेरी एक लिस्ट प्रॉपरली बन चुकी है जिसके अंदर अभी सारे नाम आ रहे हैं लेकिन उनमें कोई भी नाम रिपीटेड नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब क्या करना है, अब इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट डी एल शॉर्टकट प्रेस करेंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह ले लेंगे लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद आप सोर्सेस के अंदर ये वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। इससे आपकी जो है इसमें लिस्ट यानी बटन लग जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये था डेटा वैलिडेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बैलेंस कॉलम में आपको बोला गया है कि आप लोग कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट ना करें बिलो 4000, यानी आप लोगों का एक मिनिमम बैलेंस होता है बैंक के अंदर, वो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है। तो यहां पर आपको करना क्या है, सिंपली बैलेंस कॉलम को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद ऑल्ट डी एल प्रेस करिएगा और यहां पर एनी वैल्यू की जगह ले लीजिएगा यहां पर होल नंबर, और होल नंबर में यहां पर बिटवीन नहीं रखना है, आप लोगों को रखना है मोर देन, जो आपको एक्सेप्ट करवाना है वो आप रख दीजिए। तो यहां पर आपको इक्वल्स टू नहीं ग्रेटर देन रखना है, तो कोई भी वैल्यूज आपकी एक्सेप्ट होगी और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्सेप्ट होगी, यानी इसके बराबर भी एक्सेप्ट होगी और इससे बड़ी भी एक्सेप्ट होगी, यानी 4000 मिनिमम बैलेंस रह सकता है, उससे ऊपर भी आप रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए कोई भी वैल्यू, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हो गया बैलेंस कॉलम के अंदर आप लोगों ने कर लिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अकाउंट नंबर कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट ना करें।
तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बेसिकली क्या करना होगा, यहां पर एक फॉर्मूला लगाना होगा। याद होगा आप लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था, तो उसमें भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था, तो इस केस में भी आप लोगों को एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो कि मैं यहां पर लगाकर आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैंने यहां पर लगाया है एक फॉर्मूला, दैट्स कॉल्ड काउंट इफ। और काउंट इफ लगाने के बाद मुझे अकाउंट नंबर वाले कॉलम में डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करवाना, तो यहाँ अकाउंट नंबर वाले पूरी रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे F4 के साथ फ्रीज कर दूंगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और मैं अकाउंट नंबर का पहला सेल काउंट करूंगा जो कि ये है, और अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे को अभी 1 दे रहा है। कुछ सेल्स मेरे को 2 भी देंगे, कुछ सेल्स मेरे को 3 भी दे सकते हैं, तो कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है मुझे पता चल जाएगा। तो यहां पर आप एक और चीज समझिए कि जो भी आप लोगों को आंसर चाहिए होगा वो ट्रू फॉल्स में आना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों का डेटा वैलिडेशन नहीं काम करेगा। तो आंसर ट्रू में ही आना चाहिए, तो यहां पर इक्वल्स टू रखिए और इक्वल्स टू बोल दीजिए 1। आपको क्या चाहिए, आपको 1 के बराबर चाहिए, आप लोग को 2 नहीं चाहिए कोई भी वैल्यूज को। तो यहां पर लिखिए 1 इक्वल्स टू 1। लिखने के बाद आप देखिए कई कई ट्रू आ रहा है और कई कई फॉल्स भी आ रहा है। तो बस आपको करना क्या है, आपको सिंपली इस कॉलम में से फॉर्मूले को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप आइए उस कॉलम में जिस कॉलम में आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर ऑल्ट डी एल प्रेस करिए और यहां पर एनी वैल्यू की जगह ले लीजिए कस्टम, और कस्टम में जाके आप फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए एंड देन ओके प्रेस करिए, और अब आप कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे और अब इस कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि आप लोगों को फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है और फर्स्ट रो को फ्रीज करना है। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो फ्रीज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है दोस्तों। आपको सिंपली क्या करना है, आप लोगों को फर्स्ट कॉलम यानी कि ये कॉलम पूरा का पूरा फ्रीज करना है और साथ ही आपको फर्स्ट रो भी फ्रीज करना है, यानी कि आप लोगों को ये पूरा और ये पूरा फ्रीज करना है। तो आप क्या करेंगे, अपना कर्सर जो एक्टिव सेल है वो आप ये वाला बनाएंगे, दैट इज B2। इसको एक्टिव बनाने के बाद आप जाइए व्यू टैब में, और व्यू टैब में आपको फ्रीज पेन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर जाने के बाद आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि इसी का बेसिकली पॉइंट है। तो जैसे ही आप फ्रीज पेन पर क्लिक करेंगे आप लोगों का अब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो फ्रीज हो चुका है। अब आप देखें स्क्रॉल करने पर आपका डेटा मूव नहीं कर रहा है ऊपर वाला, और अगर आप राइट साइड में भी जाए तो आप लोगों का अकाउंट नंबर वाला कॉलम तो दिख रहा है लेकिन बाकी कॉलम्स मूव नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में भी काफी कुछ कंटेंट मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और वीडियो में कोई डाउट लग रहा है अगर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैन।